बहुत सारी लड़कियों को ये लगना शुरू हो गया कि उनकी स्किन तो कभी लाइफ में साफ होगी ही नहीं, क्योंकि इतना सारा तामझाम हम करके देख चुके होते हैं। और जब हम किसी क्लियर स्किन वाली, साफ सुथरी स्किन वाली लड़की को देखते हैं, हम सोचते हैं कि अक्सर ये क्या करती होगी जिसकी स्किन इतनी ज़्यादा साफ है, हमारी स्किन ऐसी साफ कब होगी। तो आज का जो वीडियो है, जो DIY है, जो टिप है, जो ट्रिक है, वो सारी फॉलो करके जरूर देखिएगा। केवल 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जब भी हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन, झाइयाँ, ब्लैमिश, अनइवन स्किन, स्किन डल होती चली जाती है बिना किसी काम के, तो समझ लीजिएगा कि इस टाइम पर आपकी स्किन को कुछ एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा वाइटमिन्स और कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स की जरूरत होती है, खास करके वाइटमिन सी। अभी से अगर आप वाइटमिन सी ऐड कर देंगे अपने स्किन केयर में, आप सीरम लगा सकते हैं, आप घर पे बना के लगा सकते हैं, आप मार्केट में से खरीद के लेके आ सकते हैं, तो लाइफ टाइम आपकी स्किन पे ये जो प्रॉब्लम है ये आएंगी नहीं है, तो वो चली जाएंगी। वाइटमिन सी का ज़्यादा ध्यान रखना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाइटमिन सी खाना भी है। ऑरेंज खाइए, गवावा खाइए, टमाटर खाइए, जो भी है, आपको वाइटमिन सी कंज्यूम भी करना है। आज के सिंपल से 2 स्टेप हैं, 2 ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, जिसमें से फर्स्ट होगा आपका क्लिंजर, आपका पैक, आपका फेस वॉश, जिसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे हम गेहूं का आटा यूज कर रहे हैं। गेहूं के आटे के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसके अंदर वाइटमिन मिनरल्स भी होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी स्किन को क्लीन करने का काम करता है। जो हमारा गेहूं का आटा है हर घर में अवेलेबल होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स नहीं है, वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा DIY दे दिया जाए जो आपकी स्किन पे इतने अच्छे और इतने बेहतर तरीके से काम कर भी जाए और आपका एक भी रुपया खर्च ना हो। केवल आपको 3 से 4 चम्मच अपने फेस के अकॉर्डिंग ये आटा लेना है, गेहूं का आटा, और हम इसके अंदर वाइटामिन सी के लिए डाल देंगे टमाटर। टमाटर में एक्स्ट्रा ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, या आपके बैक्टीरिया, गंदे वाले जो बैक्टीरिया, उनको किल करता है फेस के ऊपर, जो एक्ने बनाते हैं, जो आपके डार्क स्पॉट्स लेके आते हैं, जो आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड को बनाते हैं, जो आपका एक्सेस ऑयल आता है, इन सबको साफ करता हुआ स्किन से चलेगा। और भर के वाइटमिन सी है इसके अंदर। टमाटर नहीं है तो लेमन, लेमन नहीं है तो आप यहाँ पे आंवला पाउडर का यूज कर सकते हैं, और आंवला पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे ऑरेंज का यूज कर सकते हैं। जितना वाइटमिन सी लगाएंगे पैक में, सीरम के रूप में, क्रीम के रूप में, या फिर जितना खाएंगे, उतना ही आपकी स्किन यंग भी बनेगी और जितनी भी पिगमेंटेशन है वो सारी चली जाएगी। तो इसका एक पैक कंसिस्टेंसी आपकी आ जाएगी। पूरा एक टमाटर आपको कट करके उसको निचोड़ देना है, उसका जूस, आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं ताकि आपका जो ये पैक अच्छे तरीके से बन जाए। और उसके बाद आप इसे अपने फेस पे लगा लेंगे। 10 मिनट के लिए आपको इसे लगा के रखना है। 10 मिनट के बाद आप इसको हल्का सा रब करेंगे और इसे सिंपल पानी के साथ आप वॉश कर देंगे। ये जो आपका स्टेप है ये आपका दिन में 2 बार होगा। आप जब तक इस पैक को लगा रहे हैं तब तक आप कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करेंगे। आप सुबह भी इसका यूज करेंगे और रात को सोने से पहले भी आप इसका यूज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है या फिर एक एक्स्ट्रा ग्लो आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ममा अर्थ का फेस वॉश और ममा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जो आता है हनी मलाई के साथ आता है। ड्राई स्किन है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑयली स्किन वाले भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एक अच्छा सा ग्लो देके जाता है। ममार्ट के सारे ही प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफ होते हैं स्किन के लिए, स्किन फ्रेंडली होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, केमिकल नहीं होता है। मैं इनके प्रोडक्ट्स लगातार यूज करती आ रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर ग्लो ऐड करना चाहते हैं, ऑयली स्किन है, हर स्किन टाइप के लिए है ये, आप इस फेस वॉश को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अगर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है और ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर अगर आप ढूंढ रहे हैं, जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, गर्मी में एक्स्ट्रा ऑयल आता है, तो मॉइस्चराइजर तब भी लगाना काफ़ी ज़रूरी है, तो आप ममा अर्थ का ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सभी प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, ममा अर्थ की खुद की साइट है जहाँ पे जाके आप इनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, एक्स्ट्रा 20% आपको ऑफ मिलेगा। वैसे नायका पे, पर्पल पे, अमेजोन पे, हर कहीं पे ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इंडियन ब्रांड है, हमें इसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। जब भी आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बदले में ममा अर्थ एक पेड़ लगाता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, तो ये बिल्कुल सेफ है। डेफिनेटली कोई ऐसा वैसा फेस वॉश या कोई ऐसा वैसा मॉइस्चराइजर खरीदने से पहले आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगा लें और एक ऐसा फेस वॉश, एक ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करें जो ब्रांडेड और जो आपकी स्किन पे काम करके जाए। ओके, तो दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि इंडियन ब्रांड है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली चेक जरूर कर लीजिएगा। तो हम पैक पे थे ना, पैक जैसे कि लगा लिया, उसको उतार भी दिया हमने, और फिर बहुत एक अच्छा सा ग्लो आपके फेस पे आ जाएगा। मैं ये भी बता चुकी हूँ कि इसको 2 बार यूज करना है। फेस वॉश आप यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि आप इसको यूज कर रहे हैं। इसका यूज आप स्किन पे 2 बार कर सकते हैं फेस वॉश की तरह ही। 10 मिनट लगाइए और फिर सिंपल पानी के साथ रब करते हुए आप इसको उतार दीजिए। फेस वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स भी तो चाहिए ना। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आपको एलोवेरा यूज करना है। हाइड्रेट भी आपकी स्किन होनी चाहिए। जितनी हाइड्रेट रहेगी, बोलते हैं ना कि जितना आप पानी पियेंगे आपकी स्किन उतनी ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे। तो एलोवेरा लेना है सिंपली। ये इतना सिंपल स्किन केयर है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना सा करने से इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन हम कैसे ख़त्म कर लेंगे। 10-15 दिन इत्मीनान के साथ आप इसको करके जरूर देखिएगा। एलोवेरा को रब करना है आपको पैक, जैसे कि ये फेस वॉश यूज किया रात को, और उसके तुरंत बाद आपको ये एलोवेरा लेना है। पैकिंग वाला भी ले सकते हैं, फ्रेश वाला है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अच्छे से अपनी स्किन को इसी के साथ मसाज देनी है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं इसके अंदर, और हाइड्रेट रखेगा ये आपकी स्किन को। तो इसके साथ मसाज देनी है आपको, और मसाज देके कोई फेस वॉश नहीं करना है। सिंपल पानी के साथ आप सो जाएंगे और सुबह उठ के आपको फेस वॉश करना है। ओके, तो वाइटमिन सी खाइए, लगाइए, आपकी पिगमेंटेशन फेड होनी और एक टाइम पे बिल्कुल साफ होनी शुरू हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्शन में आपके निखार आएगा। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, यानी कि अगर आपके अंदर बहुत गर्माहट है तो भी आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी चीज़ें खाइए जो आपकी बॉडी को थोड़ा ठंडा रखे। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो ठंडी चीज़ें खाइए, वाइटमिन सी खाइए, बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, ये स्किन केयर कीजिए। प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई होप कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।